Hi dear students, I am Dr. P. Kulkarni. Welcome you all on P-Educul digital platform. You know very well, P-Educul is the digital activity of P. Kulkarni classes. We have already discussed different provisions relating to issue of shares, forfeiture of shares and reissue of forfeited shares. बच्चों तो हम corporate accounting में जो topic है issue, forfeiture and reissue of shares, ये topic हम पढ़ने जा रहे हैं। ये टॉपिक की जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क थी, कंपनी एक्ट की जो प्रोविजंस ये इश्यू ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स और रीइश्यू ऑफ शेयर्स के लिए एप्लीकेबल थी, उसके बारे में शुरू के पहले लेक्चर्स में हमने पूरा का पूरा उसका डिस्कशन किया है। सब प्रोविजंस मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन की है, आपने भी अच्छी तरह से उसका अंडरस्टैंडिंग किया है। तो आज के लेक्चर से हम चालू करेंगे। तो एक कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का इश्यू ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, री इश्यू ऑफ शेयर्स, ये जो टॉपिक है उसकी जो कंपनी एक्ट की प्रोविजंस की एक्चुअल एप्लीकेबिलिटी है, वो अकाउंटिंग करते वक्त हम कैसे यूज करेंगे, इसका हम प्रैक्टिस करते हैं। चलो तो देखते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर वन में क्या इंफॉर्मेशन दी है, जो कि ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर वन आपके हाथ में जो वर्कबुक है पी एजुकुल डिजिटल लर्निंग सॉल्यूशंस, जो कि पी कुलकर्णी क्लासेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उन्होंने आपको जो एक वर्कबुक प्रोवाइड किया है, एक्चुअली वो वर्कबुक पासवर्ड प्रोटेक्टेड पीडीएफ फाइल के फॉर्म में आपको भेजा था, आपने उसकी प्रिंटआउट भी निकाल ली होगी। तो वो वर्कबुक में ही सब थ्योरी रहेगी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहेगी, प्रॉब्लम्स रहेगे और सॉल्यूशन बनाने के लिए प्रॉपर स्पेस विद ब्लैंक फॉर्मेट्स भी आपको प्रोवाइड की है, वो वर्कबुक में भी ये प्रॉब्लम है। चलो तो देखते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर वन में क्या इंफॉर्मेशन दी है। चलो तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर वन देखते हैं। अमिताभ लिमिटेड विथ अ नॉमिनल कैपिटल ऑफ रुपी 5 लाख डिवाइडेड इंटू 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, यानी कि ये अमिताभ लिमिटेड जो कंपनी है उनका नॉमिनल कैपिटल रुपी 5 लाख है और ये 5 लाख कैपिटल कैसे डिवाइड किया है, 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। अमिताभ लिमिटेड ऑफर टू पब्लिक 3000 शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन पेएबल एज अंडर, जो कि ये अमिताभ लिमिटेड कंपनी के 5000 शेयर्स ऑफ 100 ईच ये नॉमिनल कैपिटल है, यानी कि ऑथराइज्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल हम जिसे बोलते हैं वो 5000 शेयर्स ऑफ 100 ईच है, बट आउट ऑफ 5000 शेयर्स कंपनी इज ऑफरिंग जस्ट 3000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपी 100 ईच टू द पीपल एट लार्ज। कंपनी ने 5000 जो शेयर्स है उनमें से खाली 3000 शेयर्स ही लोगों के लिए ऑफर दी है और वो जो ऑफर लोगों के लिए दी है, हमने तो डिस्कशन जब कर रहे थे हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का, तो ये पूरी बात हमने समझ ली थी कि आफ्टर ऑल कंपनी रेजेस इट्स ओन्ड कैपिटल बाई इशूइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स, नेमली इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। कंपनी अपना कैपिटल जब बनाती है तो उसके लिए शेयर्स इशू करती है, लोग जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कंपनी के शेयर्स परचेस करते हैं और कंपनी के पास कैपिटल आता है और जो इन्वेस्टर्स शेयर्स परचेस करते हैं उन्हें हम शेयर होल्डर भी कहते हैं। तो कंपनी ने 3000 शेयर्स पब्लिक के लिए ऑफर किए हैं, तो ये जो शेयर्स 100 रुपी का है वो शेयर्स के जो 100 रुपी कंपनी कलेक्ट करने जा रही है वो इंस्टॉलमेंट्स में कलेक्ट करेगी, तो इंस्टॉलमेंट्स के बारे में हमें नीचे जानकारी दी है, ₹10 ऑन एप्लीकेशन, दैट कंपनी इज डिमांडिंग ₹10 ऑन एप्लीकेशन। जबकि इन्वेस्टर्स शेयर्स परचेस करने के लिए एप्लीकेशन करेंगे तो उन्हें पर शेयर जितने शेयर्स चाहिए उतने शेयर्स के हिसाब से पर शेयर ₹10 एप्लीकेशन पे देने पड़ेंगे, ₹20 ऑन अलॉटमेंट। जबकि एप्लीकेशन आने के बाद अलॉटमेंट कमिटी ऑफ द कंपनी डिसीजन लेती है कि अलॉटमेंट कैसे करेंगे, तो अलॉटमेंट का लेटर जब कंपनी भेजेगी तो शेयर होल्डर्स ने ₹20 पर शेयर, तो अलॉटमेंट के लिए ₹20 पर शेयर शेयर होल्डर्स ने पे करने हैं, ₹30 ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल जबकि ड्यू होगा तो हर एक शेयर होल्डर्स ने ₹30 पर शेयर कंपनी को देने हैं और ₹40 पर शेयर ऑन फाइनल कॉल, दैट इज द अमाउंट टू बी पेड बाय ईच एंड एवरी शेयर होल्डर आफ्टर कॉलिंग द अमाउंट ऑन अकाउंट ऑफ फाइनल कॉल। जो इन्वेस्टर्स हैं वो जो शेयर्स परचेस करेंगे तो उन्हें एप्लीकेशन के लिए ₹10 पर शेयर देने पड़ेंगे, ₹20 पर शेयर अलॉटमेंट के देने पड़ेंगे, ₹30 पर शेयर फर्स्ट कॉल के देने पड़ेंगे और ₹40 पर शेयर
फाइनल कॉल के देने पड़ेंगे। तो 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 इज इक्वल टू 100, इट मींस कंपनी इज गोइंग टू इश्यू शेयर्स एट पार। 100 रुपी का शेयर कंपनी 100 रुपी पे ही ऑफर कर रही है, यानी कि ना तो कंपनी कुछ डिस्काउंट दे रही है, ना तो कंपनी कुछ प्रीमियम मांग रही है, जितनी फेस वैल्यू है उतनी ही इश्यू प्राइस कंपनी ने रखी है। 100 रुपी का शेयर के लिए कंपनी 100 लेकिन 4 इंस्टॉलमेंट्स में मांग रही है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल। एप्लीकेशंस वेयर रिसीव्ड फॉर 2000 इक्विटी शेयर्स, जबकि कंपनी ने 3000 शेयर्स ऑफर किए हैं, बट मार्केट से इन्वेस्टर से कंपनी के लिए शेयर्स परचेस करने के लिए जितने सब्सक्रिप्शंस आए हैं, एप्लीकेशंस आए हैं, डिमांड आई है, वो खाली 2000 शेयर्स की ही है। यानी कि इवन दो कंपनी इज रेडी टू इशू 3000 शेयर्स टू द पीपल, बट पीपल आर डिमांडिंग ओनली 2000 शेयर्स। सो वेन एवर डिमांड इज लेस देन द ऑफर ऑफ द कंपनी, द इशू इज सेट टू बी अंडर सब्सक्राइब। हमने देखा है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जब हम अध्ययन कर रहे थे, आप अच्छी तरह से उसका अंडरस्टैंडिंग कर रहे थे। कंपनी के ऑफर से कम अगर लोगों का रिस्पांस आता है तो इशू को हम अंडर सब्सक्राइब हुआ ऐसे बोलते हैं। तो ये कंपनी के बारे में, दिस इशू इज अंडर सब्सक्राइब, क्योंकि 3000 शेयर्स ऑफर किए हैं, लोगों ने खाली 2000 शेयर्स की ही मांग रखी है। एंड द शेयर्स वेयर ड्यूली अलॉटेड बाय द डायरेक्टर्स, और ये 2000 शेयर्स डायरेक्टर्स ने जिन लोगों ने मांगे थे उन्हें अलॉट भी कर दिया है। जबकि डायरेक्टर्स ने अलॉटमेंट कर दी है 2000 शेयर्स की, आगे क्या इंफॉर्मेशन दिए देखो, द फाइनल कॉल वॉज मेड बाय द कंपनी, यानी कि कंपनी ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल चारों ही इंस्टॉलमेंट्स के अमाउंट कलेक्ट की है। द अलॉटमेंट मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड ऑन 1950 शेयर्स। कंपनी ने बच्चों 3000 शेयर्स ऑफर किए हैं, लोगों की डिमांड खाली 2000 शेयर्स के लिए है, कंपनी ने शेयर्स अलॉट भी किए 2000, लेकिन अलॉटमेंट मनी जब कलेक्ट करने की बात आई तो खाली 1950 शेयर्स के ही अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड हुए। द फर्स्ट कॉल मनी वॉज रिसीव्ड ऑन 1900 शेयर्स। फर्स्ट कॉल के 2000 शेयर्स के रुपी पर शेयर 30 की मांग कंपनी ने रखी, तो खाली 1900 शेयर्स के ही फर्स्ट कॉल की अमाउंट कंपनी को मिली है। एंड द फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 1800 शेयर्स, जबकि 2000 शेयर्स की फाइनल कॉल की डिमांड कंपनी ने की तो 1800 शेयर्स के ही फाइनल कॉल की अमाउंट कंपनी को मिली है। यानी कि अलॉटमेंट के लिए 50 शेयर्स के अलॉटमेंट मनी मिली नहीं है, क्योंकि 2000 में से 1950 के ही मिले। फर्स्ट कॉल के लिए 2000 में से 1900 ही मिले, यानी कि 100 शेयर्स की फर्स्ट कॉल मनी नहीं मिली है। फाइनल कॉल के लिए 2000 शेयर्स में से 1800 शेयर्स के ही फाइनल कॉल मिले हैं, यानी कि 200 शेयर्स के फाइनल कॉल के मनी मिली नहीं है। आखिर में हमें रिक्वायरमेंट बता दी है, गिव जर्नल एंट्रीज। तो चलो बच्चों, सब थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आप प्रॉपर तरीके से याद कर रहे हो। ये जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 1 हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, उससे पहला जो लेक्चर है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैंने नटशेल में आपको बता दी है, वो लेक्चर आप बार बार देखना, क्योंकि PEDUCAL डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो हर एक लेक्चर आपको कम से कम 3 बार देखने का अवसर सुविधा तो आपको ऑफर कर ही रहा है। एक बार लेक्चर देखने से अगर कुछ बातें समझ में नहीं आती है तो आप दोबारा देख सकते हो, और एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए और एक बार आप लेक्चर देख सकते हो। तो ये जो स्पेसिमन जर्नल एंट्रीज के बारे में मैंने इससे पहले का जो लेक्चर है उसमें डिटेल में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में मैंने चर्चा की है, तो वो लेक्चर आप बार बार देखते रहोगे। चलो तो बच्चों, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 1 की जो रिक्वायरमेंट है कि हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है, तो अमिताभ लिमिटेड के बुक्स में हम जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। चलो, आपके वर्कबुक में प्रॉब्लम के नीचे मैंने जर्नल का प्रोफार्मा भी आपको ब्लैंक फॉर्मेट में प्रिंट करके दिया है। तो चलो, प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 1 के जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। फर्स्ट लाइन में प्रॉब्लम के हमें इंफॉर्मेशन दी है कि नॉमिनल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 5 लाख, लेकिन नॉमिनल कैपिटल जब तक टोटली इशू नहीं होता तब तक उसकी अलग से एंट्री नहीं की जाती। ये ऑथोराइज्ड कैपिटल है, ये नॉमिनल कैपिटल है, ये हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, लेकिन उसमें से जितने शेयर्स एक्चुअली इशू होते हैं उसकी अकाउंटिंग होती है। चलो तो बच्चों,
5000 में से 3000 ऑफर किए हैं, उसमें से 2000 के लिए ही लोगों ने पैसे देके शेयर्स परचेस करने के लिए हमें रिस्पांस दिया है, तो खाली 2000 शेयर्स के ही हम अकाउंटिंग करते रहेंगे। चलो तो बच्चों क्या इंफॉर्मेशन दी है, चलो तो बच्चों अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज करते हैं इन द बुक्स ऑफ अमिताभ लिमिटेड, देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है। 2000 एप्लीकेशंस वेयर रिसीव्ड बाय द कंपनी फ्रॉम द पीपल एट लार्ज एंड एप्लीकेशन मनी पर शेयर रिसीव्ड ₹10 पर शेयर, यानी कि कंपनी को 2000 शेयर्स के लिए, यानी कि कंपनी को 2000 शेयर्स के लिए लोगों से एप्लीकेशंस आए हैं और हर एक शेयर के लिए ₹10 पर शेयर इतना एप्लीकेशन मनी भी मिला है। तो चलो पहली एंट्री करते हैं, हमें ये पूरा का पूरा ध्यान रखना है कि हर एक एंट्री करते वक्त कॉरपोरेट अकाउंटिंग में एंट्री करते वक्त वो टू लेयर टू स्टेज एंट्रीज होती है। पहली एंट्री रहेगी एप्लीकेशन की, वो एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड की एंट्री करेंगे, फिर वो एप्लीकेशन मनी जितने शेयर्स कंपनी इशू करने जा रही है उतने शेयर्स पे जो एप्लीकेशन मनी है वो शेयर कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे, ये दो लेयर एंट्रीज रहेगी। फिर अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री करेंगे, जितने शेयर्स इशू किए हैं उतने शेयर्स पे अलॉटमेंट ड्यू यानी कि कैपिटल को ट्रांसफर की एंट्री रहेगी, फिर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, उसी हिसाब से फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल फाइनल कॉल, जितने शेयर्स इशू है उतने ड्यू करेंगे और एक्चुअल रिसीव्ड है उनकी एंट्री अमाउंट रिसीव्ड करके करेंगे। तो टू लेयर एंट्रीज रहती है, टू स्टेज में अकाउंटिंग होता है। खाली बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट ऐसी एंट्री करके अकाउंटिंग नहीं होगा, हर एक पर्पज के लिए हम अकाउंटिंग सेपरेटली करेंगे और अल्टीमेटली दैट पर्पज विल अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। चलो तो बच्चों ये एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुआ है तो हम एंट्री बनाते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट 2000 शेयर्स एट ₹10 ईच यानी कि ₹20,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20,000। ये जो एंट्री हुई है वो एक्चुअल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम द पीपल बाय द कंपनी एट ₹10 पर शेयर ऑन 2000 शेयर्स के लिए है। क्या एंट्री हुई है बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20,000। तो नरेशन लिखते हैं, Being application money received for 2000 equity shares at ₹10 each। चलो तो आगे चलते हैं, ये जो application money received हुआ है वो पूरा का पूरा share capital account को transfer करेंगे क्योंकि company 3000 shares issue करने के लिए तैयार है लेकिन applications खाली 2000 ही आए हैं, तो पूरा का पूरा amount हम share capital account को transfer करेंगे। Entry बनाएंगे equity share application account debit 20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000। तो ये जो पहली एंट्री थी उसमें क्रेडिट दिया था इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और दूसरी एंट्री में डेबिट दिया है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यानी कि ये एप्लीकेशन अकाउंट अलॉटमेंट अकाउंट फर्स्ट कॉल अकाउंट फाइनल कॉल अकाउंट ये टेम्पररी अकाउंट्स है, एक बार पर्पस सर होने के बाद वो अकाउंट्स क्लोज होते हैं और एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल अकाउंट में जो बैलेंस रहता है वो हम शेयर कैपिटल अकाउंट के लिए ट्रांसफर करते हैं। तो दूसरी एंट्री हुई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000। नरेशन लिख लेना बच्चों, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ये 2000 शेयर्स इशू हुए थे, 2000 शेयर्स पे ही हमें एप्लीकेशन मनी मिला है और वो हमने कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर कर दिया है। तो पहली एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एंड ट्रांसफर टू कैपिटल, ये दो एंट्री अपनी हुई। आगे चलते हैं, कंपनी ने 2000 शेयर्स अलॉट करने की डिसीजन ली और लोगों को इन्फॉर्म किया कि आपने जो एप्लीकेशन 2000 शेयर्स के लिए किए थे वो हम शेयर्स आपको अलॉट कर रहे हैं। तो खाली अलॉटमेंट लेटर नहीं भेजते, Whenever company issues an allotment letter to the people for giving information about the allotment of shares, company simply demands allotment money. जबकि allotment letter company की ओर से shareholders को भेजा जाता है, investor shareholder बनते हैं, तो allotment letter के साथ साथ company allotment का installment की भी demand रखती है। तो यहाँ 2000 shares पे ₹20 per share ये अलॉटमेंट की डिमांड है, तो अलॉटमेंट मनी ड्यू के लिए हम एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2000 × 20 ₹40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000। क्या एंट्री हुई बच्चों अपनी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
2000 × 20 20 था 40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000। चलो तो नरेशन लिखते हैं, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 2000 इक्विटी शेयर्स एट ₹20 ईच। वेरी गुड। अब ये जो 2000 शेयर्स के अलॉटमेंट ड्यू है तो हमें इंफॉर्मेशन दी है, मैंने वो हाईलाइट भी किया है, देख लो हाईलाइट। द अलॉटमेंट मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड ऑन 1950 शेयर्स। इवन दो द अलॉटमेंट वॉज ड्यू ऑन 2000 शेयर्स, एक्चुअल अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 1950 शेयर्स, यानी कि 50 शेयर्स पे ₹20 पर शेयर के हिसाब से ₹1,000 अलॉटमेंट के मिले नहीं है, यानी कि 20,000 ड्यू है और उसमें से 1,000 अगर मिल नहीं रहे हैं तो हमें अलॉटमेंट के एक्चुअल अमाउंट कितनी मिलेगी, 19,000। चलो तो एंट्री बनाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 1950 × 20 39,000। जो 40,000 अमाउंट ड्यू थी उसमें से 1,000 अमाउंट हमें मिली नहीं है, 50 शेयर्स पे ₹20 के हिसाब से 1,000 अमाउंट नहीं मिली है, तो 40,000 में से 1,000 नहीं मिली है, यानी कि 39,000 मिले हैं। इसलिए हम लिख रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट 39,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 39,000। चलो तो बच्चों नरेशन लिखते हैं, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 1950 शेयर्स एट ₹20 ईच, यानी कि 50 शेयर्स पे मिले नहीं है, तो नरेशन कैसे लिख दिया हमने, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन ऑल शेयर्स एक्सेप्ट ऑन 50 शेयर्स, यानी कि 1950 × 20 शेयर्स, इस हिसाब से हमें अलॉटमेंट मनी मिला है। तो अपनी एंट्री क्या हुई बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट 39,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 39,000। नरेशन लिख दिया हमने, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन ऑल शेयर्स एक्सेप्ट 50 शेयर्स। तो अब बात हमारी एप्लीकेशन रिसीव्ड ट्रांसफर टू कैपिटल, अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, यहां तक आई है। अब फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का देखते हैं। चलो बच्चों क्या इंफॉर्मेशन है इस बारे में हमारे पास, 2000 शेयर्स के ₹30 पर शेयर के हिसाब से फर्स्ट कॉल मनी ड्यू की एंट्री होगी, और फिर बाद में वो भी हमने हाईलाइट किया है कि 1900 शेयर्स के ही फाइनल कॉल मनी हमें मिले हैं। कितने शेयर्स के मिले हैं, 1900 शेयर्स के ही मिले हैं। चलो तो बच्चों अकाउंटिंग करते हैं, पहले अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल मनी ड्यू के लिए 2000 शेयर्स पर शेयर ₹30 हमें फर्स्ट कॉल के ड्यू है, तो पहले हम फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री बनाते हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 2000 × 30 यानी कि ₹60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000। बच्चों एंट्री क्या हुई हमारी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000। चलो तो नरेशन लिखते हैं, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 2000 शेयर्स एट ₹30 ईच। जबकि स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि 2000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल के ₹30 पर शेयर ड्यू है, लेकिन जो नीचे मैंने हाईलाइट किया है 2000 में से 1900 शेयर्स के ही हमें फर्स्ट कॉल की अमाउंट मिली है, यानी कि 100 शेयर्स के ₹30 पर शेयर्स के हिसाब से ₹3,000 मिले नहीं है। तो टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल वॉज 60,000 एंड एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, तो 60,000 से 3,000 जो मिले नहीं है वो माइनस करेंगे तो 57,000 ही हमें अमाउंट मिलेगी 1900 × 30। चलो तो फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड की एंट्री बनाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 1900 × 30 अमाउंट कॉलम में लिख देना 57,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 57,000। क्या एंट्री हुई बच्चों हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट 57,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 57,000। चलो तो बच्चों नरेशन लिख लेना, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 1900 शेयर्स एट ₹50 ईच। वेरी गुड। तो आगे चलते हैं, सेकेंड कॉल यानी कि फाइनल कॉल के लिए इंफॉर्मेशन दी है, फाइनल कॉल इज ड्यू ऑन 2000 शेयर्स एट ₹40 पर शेयर एंड एक्चुअल फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 1800 शेयर्स ओनली। तो पहले एंट्री बनाते हैं फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री रहेगी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट
2000 × 40 यानी कि 80,000 रुपी, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 80,000। तो बच्चों अपनी एंट्री क्या हुई, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 80,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 80,000, नरेशन लिख लेना, फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 2000 शेयर्स एट रुपी 40 ईच। 2000 शेयर्स पे फाइनल कॉल ड्यू है बच्चों, लेकिन 1800 शेयर्स का ही फाइनल कॉल हमें मिला है, यानी कि 200 शेयर्स का 40 रुपी पर शेयर के हिसाब से 8000 रुपी हमें मिले नहीं है। तो टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ फाइनल कॉल वॉज 80,000 एंड एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, तो 8000 जो मिले नहीं वो माइनस करेंगे तो 72,000 ही हमें मिले हैं। तो चलो एंट्री बनाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 1800 × 40 72,000 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 72,000। वेरी गुड, मैं एंट्री रिपीट करता हूं बच्चों, एंट्री ठीक ढंग से लिख लेना, कोई भी हम मिस्टेक नहीं करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 72,000 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 72,000, नरेशन लिख देना, फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन ऑल शेयर एक्सेप्ट 200 शेयर्स, यानी कि फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 1800 शेयर्स एट रुपी 40 ईच। किस भी तरह से आप नरेशन लिख सकते हो। तो बच्चों ये पहला प्रॉब्लम था अपना, प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 1, बहुत ही आसान, खाली एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, फाइनल कॉल मनी, इतने ही हमें डिटेल्स यहां मिले थे, उसके हमने पूरे के पूरे एंट्री की है। तो ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 1 का यह हमने सॉल्यूशन बनाया, खाली जर्नल एंट्रीज बनाने की ही रिक्वायरमेंट थी, तो सबके सब जर्नल एंट्री हमने यहां बना दिए है। लेकिन बच्चों ये जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हम बना रहे हैं, तो पढ़ते वक्त अगर आपको कोई डाउट रहेंगे तो स्क्रीन पे दिख रहे जो मोबाइल नंबर्स है उस पर SMS कर देना, व्हाट्सएप मैसेज कर देना, या मेल लिख देना phukul01@gmail.com पे, मैं आपको डाउट का क्लैरिफिकेशन भी मेल करके भेज दूंगा। नहीं तो कम से कम इतना करिए कि हर एक टॉपिक के डाउट सॉल्विंग सेशन हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाइव रखते हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको भेजा जाएगा, रजिस्ट्रेशन कर लेना, और जब डाउट सॉल्विंग सेशन हम कंडक्ट करेंगे तो आप प्रेजेंट रहना और अपने डाउट्स का सॉल्यूशन पा लेना। तो इस तरह से हम अपने डाउट्स भी क्लियर करेंगे, उसके लिए हम मिलते रहेंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाइव सेशन में। चलो तो बच्चों ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम यहाँ सॉल्यूशन बना के हमने पूरा किया है, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए प्रॉब्लम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।